आदाब नाज़रीन, एसवाईएस चैनल में आपका इस्तकबाल है। ट्रस्टी बोर्ड महदविया क्लब वक्फ मशीराबाद के मेंबरों की जानिब से बहादुर यार जंग हाल का हर 3 साल में एक बार टेंडर पास किया जाता है। टेंडर जिसके नाम से पास होता है, बोर्ड ने उनको बुलाकर 3 साल के लिए बहादुर यार जंग हाल देते हैं और हर साल उस शख्स से 79 लाख रुपये 3 अकसात में लेते हैं। ऐसा ही एक टेंडर 2022 में मोहम्मद शाह आलम खां के नाम से पास किया गया। बोर्ड मेंबरों ने मोहम्मद शाह आलम खां को फ़ोन कर इसकी इत्तला दी। मोहम्मद शाह आलम खां ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा बोर्ड के रूल्स रेगुलेशन के जो DDs वगैरह है वो बनाकर बोर्ड के मेंबरों के हवाले किया। उसके बाद जब वो लीज मांगने गए तो बोर्ड मेंबरों ने साफ इनकार कर दिया। इनकार की वजह जानने की कोशिश की तो 1 साल का टाइम मांगा गया। 1 साल के टाइम के बाद जब फिर मोहम्मद शाह आलम खान और उनके साथियों ने बोर्ड मेंबरों से राबता किया तो बोर्ड मेंबरों ने उन्हें साफ देने से इनकार कर दिया। जब वो अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए मीडिया से रुजू हुए। आइए सुनते हैं आगे की कहानी मोहम्मद शाह आलम खां और उनके साथियों की जुबानी। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं मुशीराबाद का रहने वाला हूँ और मुशीराबाद में एक बहादुर यार जंग हाल फंक्शन हॉल है जिसका टेंडर हर 3 साल में एक मरतबा टेंडर होता है उसका। तो गए साल भी जो है ना एक टेंडर हुआ था जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, जो 69 लाख रुपीज़ में हमको टेंडर हुआ। और ये टेंडर जो वो लोग हमको बुला के जो है ना ये कॉपी दिए कि टेंडर आपके नाम पे हुआ, ये टेंडर की कॉपी है जो हमारे को दिए वो। और टेंडर होने के बाद 1 महीने का टाइम था फाइनल अमाउंट देने के लिए, यानी 35% 35% 35% हर 4 महीने में जो है ना 35% पेमेंट देने का था वो। लिहाजा 1 लाख रुपए की DD उनके पास हमारी रखी हुई थी। मेरे घर में शादी की तकरीब थी मेरे छोटे भाई की जिसमें हम ना मसरूफ थे। 4 लाख रुपए फिर हमको रिफंडेबल अमाउंट जो उनकी तरफ से जो सो मतलब रखा गया था, ये हमारे जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा 5 लाख रुपए उसके तरफ से एडवांस वहाँ पे रखने का था। तो जिसमें से 1 लाख रुपये हम लोग हमारी DD उनके पास थी मौजूद, फिर उसके बाद 4 लाख रुपये की DD देने की थी। लिहाजा जो है ना मेरे घर में उस टाइम पर शादी थी, मैं 24 घंटे लेट हुआ वो DD देने के लिए। फिर ले जाकर मैं दूसरे दिन जो है दे दिया वो DD। तो उसी असना ये लोग बगैर हमको इन्फॉर्म करे बगैर कुछ बोले ये टेंडर कैंसिल हो गया बोल के बोले, और ये टेंडर जो ना किसी और के नाम पे दे दिए टेंडर उठा के। जबकि हम हमारे भाई की शादी वलीमा में उस दिन मसरूफ थे, इतवार का दिन था, तो यहाँ उठाकर टेंडर दूसरों को दे दिए वो बगैर हमारी इतला के। जब जिनको टेंडर दिए वो शख्स यहाँ मौजूद नहीं थे, 30 किलोमीटर दूर थे, जबकि हम तो दूसरे शादी खाने में 3 किलोमीटर दूर थे। हमको बताना बुलाकर बोलना भी मुनासिब नहीं समझे और टेंडर उठा के दूसरों को दे दिए। दूसरों को दिए तो क्या, वो एक्शन में मौजूद थे? एक्शन में मौजूद थे वो भी, लेकिन वो भी जो है ना तीसरे नंबर पे थे वो। दूसरे नंबर पे जो हमारे ही घर के आदमी थे। और एक ये इस तरीके की दुश्मनी सिर्फ हमारे घर के लोगों से निकाली जा रही है। ये वजह क्यों जाती खसूमात है आपके? ये अल्लाह आलम साहब, मेरे वालिद मीर मौला थे ये मुशीराबाद के, ये पता नहीं क्यों आई, ये इनको अंदेशा था कि इन लोगों के काले छींटे और भी जैसे निकल के लोगों के सामने आ जाएंगे, वो हिसाब से हमको दरकिनार करना चाहे। ये ऑप्शन कौन करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है? ये ट्रस्टीज की तरफ से होता है सब। ये बहादुर यार जंग हाल ट्रस्टीज क्लब है जो कि एक ऐसा ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसमें मनमानी सिवाय मनमानी के और इसमें जैसा कुछ दूसरा नज़र नहीं आता। और ये ट्रस्टीज की कोई चीज़ जबकि है ये अवाम का, लेकिन अवाम से ट्रांसपेरेंट कोई मसला नहीं है इसका। जी वो DD वो लोग रख लिए साहब, वो लोग रख लेके जैसे वो लोग बोले हम तो इस्तेमाल भी नहीं करें, उससे हमको क्या मतलब है। जब टेंडर का जब फाइनल डेट था फर्स्ट ऑफ अप्रैल से पहले हम लोग मार्च की 25 को लेके जाके फिर 24 लाख 15 हज़ार की DD उनको जो सो थमा दिए वो लोग 24 लाख 15 हज़ार की DD। जी हाँ जी हाँ, देखिए आप ये वो लेटर है जो DD वापस करने के टाइम पे दिए थे। शुरू में तो वो झूठला है कि मतलब DD कुछ ला के नहीं दिया हमारे को बोल के, ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है वो जो लिख के दिए वो, देख रहे हैं आप।
टोटल जो है एक एक लाख की है, एक चार लाख की है, एक 24 लाख 15,000 की है, टोटल 29 लाख चिल्लर कुछ अमाउंट हो रहा हो। देने के बावजूद भी जो है ना हमको जो है ये टेंडर नहीं दिए और बुला के जो है हमको इस तरीके से समझाए कि मतलब जो है ना कि हम लोग टेंडर कैंसिल कर दिए वास्ते अल्लाह कि आप जो इसमें से हट जाओ, ऐसा 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 करके बोले हमारे को। हम बोले भाई टेंडर कैंसिल करने की वजह क्या है, बोले वजह कोई बताने को राजी नहीं है, बस ये टेंडर कैंसिल हो गया, हम यहाँ से चलाएंगे ऐसे ऐसा ये वो। ये ग्रुप है सर, ये ग्रुप है, ये 14 आदमी का ग्रुप है और इसमें जो है ना खैर रब्बुल आलमीन जाने क्या है नहीं मालूम, लेकिन हमको जो है ना हर तरीके से बुला के समझाने की कोशिश की गई है। इसके सदर जो है ना जनाब अलहाज मसूद हुसैन मुश्तैदी क़िबला इसके सदर मोहतरम है और बकाया जो ना ट्रस्टीज़ है, बकाया जो है इनके जो सो डी करीब 30 लाख रुपए जो है ना 15 दिन तक जो है ना उनके पास हमारी डीडी रखी हुई थी। उसके बाद जो ना हमसे बुला के ये रिक्वेस्ट करें कि अल्लाह वास्ते आप लोग जो ना एक साल के लिए आप जो है रुक जाओ कि हम जो है ना ऐसा फैसला किए कि हमारी बात रखो आप एक साल, क्योंकि ये लोग फैसला कर चुके थे कि मतलब जो है ना हम जो है ना एक साल तक जो है आपसे टाइम मांग रहे हैं, हो सकता 3 महीने में बुला के दे देंगे आपको जी। रेटिंग मैंने साहब ओरली दिए जिसके सबूत मेरे पास मेरे फोनों में जो सो मौजूद है, किस किस तरीके से कब कब वो लोग बुला के हमसे क्या क्या बात करें। एक साल तक मैं अब सुनिए पूरी बात, 24 लाख 15 हज़ार की डीडी जो ना हजरत बुला के मेरे को बोले आप अल्लाह वास्ते जो है ना ये डीडी ले लेके चले जाओ, लिहाजा जो ना एक साल तक हमको चलाने का मौका दो। एक साल के अंदर भले वो 3 महीने हो या 6 महीने हो आपको बुला के जो ना उसके बाद जो भी है हम बात करेंगे, ऐसे बोल के मियाँ बोलने से आप लोग जाके ले लो कारोबारी लोग, मतलब एक साल के लिए हमारे पैसे वहाँ पे रहने दो। वो बोले नहीं आप लोग कारोबारी लोग कहीं को खाली पीली पैसे यहाँ पे रखते हैं, लिहाजा क्या करो 24 लाख 15 हज़ार की डीडी आप जो सो ले जाके आप इस्तेमाल कर लो, फिर बोले टाइम पे देखेंगे ऐसा बोल के। जबकि 5 लाख रुपये की डीडी उनके पास ही रखी हुई है, 1 लाख की 1, 4 लाख की 1 उन्हीं के पास रखी हुई है 5 लाख की डीडी। खैर ये बात हो गई, जबकि ये देखिए आप ये मान रहे हैं लोग कि गलती हुई इन लोगों से, बल्कि इसमें जो है ना तस्लीम कर रहे हैं कि गलती हुई हमारे से, लिहाजा और मियां पीरो मुर्शिद हजरत भी बुला के यही बोले कि इन लोगों से गलती हो गई लिहाजा आप रुक जाओ। मैं बोला भाई जब गलती इनसे हुई तो मैं क्यों रुकूं, इनको निकाल दो यहां से। मैं बोला सारे मुर्शिदीन को बुला के सदर बना दो इसके अंदर, जब गलती करने वाले ये मसला है कौम का, मसला जब है ये कौम का तो फिर ऐसे गलती करने वालों की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारी मुर्शिदीन को बुलाओ और सारे मुर्शिदीन को सदर बना दो यहाँ का, वो लोग संभाल लेंगे पूरा। ये सारे मुर्शिदीन को बुलाओ, मुर्शिदीन को बुला के उनको सदर बना दो सारे मुर्शिदीन, ये एक एक मुरीद को उनके काबिल मुरीद को वो लोग आके कौम की खिदमत करेंगे इसके अंदर। लिहाजा ये लोग अपनी अना के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी अना के लिए ये लोगों को जलील कर रहे, ये लोग हमारी इज्जत के साथ खेला गया। एक साल तक हम रुक गए, एक साल तक हम नहीं गए, हर 3-3.5 महीने में एक मरतबा गए डीडी को लेके जाकर हम लोग जो ना बैंक में फिर रिन्यू कराए, रिन्यू करा के लाके वापस दे दिए वो लोग को, 3 या 4 मरतबा डीडी जो सो रिन्यू कराए लाके जो है उनको दे दिए, लाके जो है ना क्लब में दे दिए हम लोग, ये समझे हजरत आप, लाके जो है ना डीडी दे देते गए। वो लोग इतने दिमाग वाले ऐसी चाल चले हमारे साथ कि मतलब 22 फरवरी 2023 को जो है ना तीसरी मरतबा जब हम जो डीडी रिन्यूअल के लिए लेके गए, लेके जाने के बाद फिर वापस हमसे डीडी नहीं लिए। हम जाके बोले भाई डीडी नहीं लेने की वजह क्या है, तो बोले कि मतलब एक साल के बाद बुलाए थे। मैं बोला बात बोलो आखिर कब दे रहे हैं फिर हमारे को, हैंड ओवर कब कर रहे हैं आप। तो वो बोले भाई एक हमारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक शर्त को जो है ना एक रिक्वेस्ट की शक्ल में हमारे से पेश करे। वो क्या बोल के पेश करे कि मतलब जो है ना आप जो है ना एक साल के पैसे एक साथ हमको दे दो, 70 लाख रुपये आप हमारे को एक साथ दे दो आप ये पैसे, उसके बाद जो है ना हम आपको जो है सो देंगे ऐसा। मैं बोला आप तो खिलाफ दस्तूर के खिलाफ जा रहे हैं आप ये बात दस्तूर के खिलाफ जा रहे हैं। यही बात 70 लाख की आप मेरे को एक साल पहले बोल देना था, भाई एक साल पहले के बाद आप आने का है, आपके 70 लाख दे के जो ना आप कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे आपको बोल दे, मेरे को बोल देना था। आप एक ही दम जो मेरे गर्दन के ऊपर सर रख के आप जो तो पैर रख के आप बोल रहे हैं कि मतलब जो ना 70 लाख एकदम दो। तो जब मेरे को समझ में आया फिर ये दोबारा जो ना हमारे साथ एक साजिश और एक चाल रची जा रही है हमारे खिलाफ, जब भी मेरे दिमाग में आया मैं बोला ठीक है भाई मैं 70 लाख रुपये देने के लिए तैयार हूँ। आप कॉन्ट्रैक्ट मेरे को कितने साल का दिए, 3 साल का, फिर वहाँ शर्त ये भी लगाए कि 2 साल का देंगे, 1 साल हम चला लिए, तो 1 साल तुम चलाए उससे मेरे को मतलब नहीं है ना साहब ये। तो मैं बोला 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं 70 लाख देने के लिए तैयार हूँ 1 साल के, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को आप 6 साल का कर दो। जब आपकी रिक्वेस्ट मैं मान ले रहा तो मेरी भी एक, मैं तो बिजनेस करने के लिए आ रहा हूँ आपके जैसा, मैं फुगड़ में बैठा हुआ रहा हूँ वहाँ पर मेंबर बन के, जिस तरीके से आप लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, और आप लोगों के फैसले जो है ना लोगों को सिवाय जलील करने के,
लोगों को सिवाय जलील करने के दूसरा फैसला आप जो सो कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, समझे आप। और ये मेंबरों की गलती है, ये मैं ये नहीं बोलता कि हजरत की है, लेकिन कोई मेंबर जी ये इतला में। अच्छा सुनिए आप, ये ये जो है ना, देखिए आप, ये भी जो है ना 8 मई 2022 देखिए, एक साल से मैं इंतजार किया, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं, जी हाँ, मैं इसके ताल्लुक से कंप्लेन इसीलिए दिया साहब, क्योंकि जो है ना आखिर में वो बिठा के मुझे ये बोलने लगे भाई, वो लोग बिठा के मुझे ये बोलने लगे भाई 70 लाख है तो ठीक है, वरना ऐसा बोल के बोले आप जो चाहे कर लो, जो चाहे कर लो, हम हमारे वकील से बात कर लिए भाई, मसला ये कौम का है, चीज़ कौम की है, मैं तो टेंडर पैसे दे के कारोबार करने के लिए आ रहा था मैं वहाँ पे, मैं कोई मेंबरशिप के लिए नहीं ठहरा, मैं किसी की जायदाद मेरे को दे दो बोल के नहीं ठहरा, मैं पैसा लगा कर वहाँ कारोबार करने की गरज से मैं वहाँ आ रहा था, समझे आप। तो आप मेरे को ये जैसे चैलेंज करें वहाँ पे, आप जो है ना एक कि हम हमारे वकील से बात कर लिए, अब आप क्या कर सकते, आप लोगों के इख्तियार में है, इस तरीके से आप कर लो बोल के बोले। मैं ये शिकायत जो है ना हमारे लोकल पीएस में गया, जाके साहब से मिला, वहाँ पे मिलके कंप्लेन दिया, ये मुशीराबाद पीएस में जाके कंप्लेन दिया, तो साहब मेरे को वहाँ बोलने लगे ये सिविल मैटर है, आप लिहाजा कोर्ट को चले जाओ, मैं इंक्वायरी कर लिया, ऐसा बोल के साहब मेरे को वहाँ से भिजा दिए। फिर मैं यही कंप्लेन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस में गया, और जो है ना कमिश्नर ऑफिस को गया, और होम सेक्रेटरी के पास गया, और हमारे काबिल एहतराम चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी जाकर मैं ये कंप्लेन दे चुका हूँ, जिसके सबूत, जिसके ट्रू कॉपी के साथ जो है ना ये सारे जो है स्टैम्प्स के साथ जो है ना मेरे पास मौजूद है। लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है कि मतलब जो है ना ये मेंबरान को कौन हक दिया कि लोगों को इस तरीके से बुला के जलील करने के लिए, इनको जलील करने का, लोगों कौम को जलील करने का हक कौन दिया इनको, जब ये कौम के ट्रस्ट के मेंबर बन के बैठे हुए, तो फिर हम कौम किधर जाना, फिर ये तो अपनी खुद की जागीर समझ के बैठे हुए, इनके फैसलों को कौम के ऊपर जो ना उनका मुकद्दर समझ ले रहे हैं इनका फैसला, जबकि वो काबिलियत इनमें कोई नजर, इनमें कोई ऐसी काबिलियत नजर नहीं आती कि जबकि जो सोचे वहाँ पे कौन चला रहा जी। अभी फिल वक्त तो ट्रस्ट चला रही हो, कमेटी चला रही, अगर कमेटी चलाएंगी हमको तो कोई एतराज़ नहीं है साहब, अगर कमेटी हमेशा के लिए चला रही तो हमको कोई एतराज़ नहीं, लेकिन टेंडर फिर दोबारा नहीं होना। और एक बात दूसरी क्या है, टेंडर अगर कंपनी अगर शादी खाना ट्रस्टीज बोर्ड अगर चला ले रहा तो जैसे ये बहुत बेहतर बात है, कौम का पैसा कौम में रहता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गलत फैसले करने वाले वहाँ से पूरे जो ना हट जाना, और कौम के जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे जो मुर्शिदीन हैं, उनको सदर बना दो, सारे के सारे मुर्शिदीन को उनके हवाले कर दो, वो लोग संभाल लेंगे। ये लोग आप हमको टेंडर दो, अगर हमको टेंडर देने का इरादा नहीं है तो फिर कभी फ्यूचर में टेंडर मत करो, और ट्रस्टीज चलाएंगा तो ये बहुत बेहतर बात है, और ये गलत फैसले करने वालों को वहाँ से निकाल दो, किसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। क्या कौम के सारे मुर्शिदीन को सदर बनाओ वहाँ पे, सारे मुर्शिदीन एक इतफाक रख के जो है ना वो ट्रस्टीज चलाएंगे, अपने अपने मुरीदीन खास और मुरीदीन को रख के ट्रस्टीज चलाएंगे, और कौम में एक बेहतरीन मैसेज जाएंगा, ये मेरा मुतालबा है। अगर हमको नहीं देना चाह रहे तो, अगर हमको देना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह। लेकिन बात और ये है यहाँ पे कि जो है अगरचे मैं ये कॉन्फ्रेंस ना बुलाता, ना लोगों में जाता, ना कंप्लेन करता, मेरे को जो है ना ओपनली चैलेंज करे कि आप लोग क्या कर सकते कर लो, ये जो है ना एक मेंबर साहब वहाँ पे ये करे, और जब भी जाके हम मेंबरों से बात कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हमारे बाप का नहीं होता, जब तुम्हारे बाप का नहीं है तो फिर ये फैसले करने का इख्तियार तुमको दिया कौन, समझे आप बात को। लिहाजा अगर ट्रस्टी चलाता है तो ये बड़ी खुशी की बात है, दोबारा अगर जो टेंडर कॉल मत कीजिए, डायरेक्ट ट्रस्टी से ही चलाइए, ये बहुत बेहतर रहेगा इसके अंदर। अगर आप टेंडर नहीं दिए तो फर्दर आप क्या करेंगे? अगर ये हमको नहीं देंगे, अगर कंटिन्यू अगर क्लब अगर नहीं चला लेगा तो आप मेरे को बोले कानून जा सकते हैं, बोल के मेरे को हमारे हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा है, मेरे को अपनी आवाम के ख्यालात पे भरोसा है कि मतलब ये लोग जिस तरीके के जो सो फैसले करके लोगों को जो तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं यहाँ पे, जो कि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो आमदनी आ रही, जो आप फैसले ले रहे हैं, जो आप मीटिंगें कर ले रहे हैं, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है पब्लिक से, पब्लिक से छुपाया जा रहा, क्या किया जा रहा, कितना आ रहा कितना जा रहा, किसी को नहीं मालूम है। लिहाजा सारे मुर्शिदीन एक जगह अगर आ जाएं, मेरी ये गुजारिश है ज़ाती तौर पे कि अगर सब एक हो गया, अगर जैसे मतलब अगर ये चलाने लगे तो जो इसके अंदर हम भी मदद करने के लिए तैयार है, और हम आपको ये चीज़ कबूल है। अगर आप नहीं मानते, अगर आप कोर्ट को जाओ बोल के बोलें तो इंशाल्लाह ये बिस्मिल्लाह ये शुरुआत है, समझिए बस।
ये शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे अल्लाह हाफिज़ है, आपका भी है और हमारा भी, जो हक पे रहेगा इंशाल्लाह रब उसके साथ होगा। बस उतना ही मुझे मेरे को बोलना है, अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू, खुदा हाफिज़।